पानीपुरी गोलगप्पा निकला इधर गोलगप्पा। अस्सलाम वालेकुम एंड हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नए दिन के साथ नया व्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी नींद से उठ के नाश्ता वाश्ता करके मैं वापस बेड पे आ गई, क्योंकि आज माँ ने बोला कि वो ही पकाएंगी, तो मैं ऊपर आ गई। और क्या कहते हैं, ऐसे ही बस सोच रही हूँ क्यों ना 24 आवर्स बेड चैलेंज। फास्ट होगा इस चैलेंज में, 24 आवर्स बेड चैलेंज क्या होगा। इधर ही खाऊंगी पीऊंगी, टीवी देखूंगी, सोऊंगी। बाथरूम क्या, बाथरूम मैगी का पैड लेके आओ एक, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी मुझे कमेंट्स में 24 आवर्स बेड चैलेंज करें, किसी दिन मजा आएगा, फन होगा। और उसके अलावा गाइज, अभी ना हमारे घर के सामने ना लाइट्स नहीं है, तो एक एप्लीकेशन है बांग्लादेश में मोबाइल में, तो हमने उधर से रिक्वेस्ट की कि हमारे घर में ना, हमारे घर के सामने रोड में लाइट वाइट नहीं है। तो फिर आज ना लोग आए अभी अभी सुबह को, और वो सिस्टम कर रहे हैं कुछ लाइट्स का ना। एप्लीकेशन का नाम क्या है, शोबर ढाका एप्लीकेशन का नाम है। और उसमें अंदर ना एक ऑप्शन है, क्या नाम है, गली की बत्ती। कंप्लेन, ये मच्छर का कंप्लेन, ये कचरे का कंप्लेन, ये बत्ती का कंप्लेन। तो यार कितनी अच्छी बात है, मतलब ये तो बहुत ही बड़ी बात है, मोबाइल में बैठ बैठ के कोई कचरा भी घर के सामने फेंक के जाए। मारो कमेंट, ऐसा ऐसा इधर फोटो खींचने का भी ऑप्शन है, पता है, तो फोटो खींच के मार दे। तो ऐसे ये बहुत अच्छी बात है, आपका सोसाइटी साफ रहेगा, कंट्री साफ रहेगा, तो अप्रिशिएट करना चाहिए। एप्लीकेशन ऐसा बना हुआ है और ऐसे एप्लीकेशन पे काम भी हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। कोरिया में भी तो ऐसे ही होते हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है। पानी गर्म कर दे, प्लीज पानी गर्म कर दे, व्यंजनों है करके दो, पानी गर्म करके दो। मैं ठंडे पानी से नहीं नहाती, गर्म पानी दो। लोग बोलेंगे कब से नहाया नहीं है। लेकिन ठंडे पानी से नहा लो। नहीं नहीं मुझे नहीं, बॉडी वॉश तो कर सकते हो ठंडे पानी से, सर नहीं धो सकती, मुझे सर धोना है आज। इमोन जॉन कूपर गाड़ी ले, जॉन कूपर कौन सा गाड़ी, जॉन कूपर मिनी कूपर ये वाली। अरे मिनी कूपर, जॉन कूपर कहा देखा यार, इधर देखो क्या लिखा हुआ है गाइस, पढ़ो। अरे फोकस कर, जॉन कूपर वर्कशॉप हार्डवेयर, इधर दुकान का मॉडल, अच्छा मॉडल नंबर। अरे मेरे ऊपर हंस कैसे रहे हो, जॉन कूपर है वो, इवन बोला जॉन कूपर क्या है, केक। जॉन कूपर है, क्यूट है, कितनी छोटी सी मिनी कार। ये कल की वीडियो चेक कर रही है टीवी पे, और इमोर इतना लेजी है, बिस्किट खा के हाथ भी नहीं धो रहा, हाथ साफ कर रहा है। मैगी को अपने हाथ खाए हुए हाथ दिया है कि ताकि वो चाट के दे साफ कर। चॉकलेट ये क्या है, इमोन हाथ धोने का नया टेक्निक, नेचुरल सैनिटाइज सिस्टम, सैनिटाइज हो रहा है, हाथ का चाट के ले रहा है, मेरा हाथ साफ हो गया है। अभी तुम चाट ले साथ करो। ये वैसे तो डेली नहा लो, लेकिन विंटर में डेली नहीं नहाया जाता इसलिए, और फिर गर्म पानी से नहाओ फिर वापस आप बाहर, ठंडा लगता है मुझे, मतलब ऑटम में भी ठंड लगता है, मतलब कोरिया में रह के आई हूँ माइनस के टेम्परेचर में, लेकिन फिर भी बॉडी में ठंड लग, मैं ठंड को वो बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन नहाने के टाइम गर्म पानी ही लगता है भाई, तो इसलिए चलो मैं ना। ये इमोन मेरे लिए गिफ्ट लेके आया है, थैंक यू सो मच इमोन, छत पे 1000 मैगी। हर कोई ठंडे पानी से नहाता है, मैं गर्म पानी से, मैं थोड़ा डिफरेंट हूँ, मैं थोड़ा बुड्ढी हूँ, एजेड हूँ, उम्र हो गई मेरे। एक दिन ना मैं ऐसे ऐसा बताऊंगी आपको इमान के बारे में, कुछ लोग बोलते हैं इमान आपसे ना छोटा है, वो मैं मजाक में बोलती हूँ, ठीक है। इमान मुझसे डेफिनेटली बड़ा है, मैं इमान से छोटी हूँ, हले हले इमोन ना मुझसे एज में डेफिनेटली बड़ा है और मैं उससे छोटी हूँ, और ये गलत फहमियाँ आप अपने दिमाग से निकाल दें। तो इमोन खाना खाए, उठो उसके बाद तुम्हारी बारी। इमोन तो लगता है छुट्टी करेगा, चलो चलो खाना खाए, बहुत भूख लगी है। तुमने तो कब का खा लिया ना मैगी, चलो ना भूख लगी है, आओ। वीडियो देख रहा था, एक इम्पोर्टेंट। क्या वीडियो देख रहे हो, सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल, हॉल सिनेमा हॉल ना, सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल, चलो। माँ ने खाया नहीं, चलो एक साथ ही खाए सब, आ जाओ। हमारे लंच में है राइस,
अरे ये है फिश, कौन सी फिश है माँ? एक ही मछ मोहसल, मूले का साग बहुत टेस्टी होता है। ये गोभी का, गोभी का पराठा सदिया। क्या पुष्पा चैलेंज करोगे मेरे साथ? शर्फी वाला कोई भी पुष्पा, वो एंटे मामा एंटे मैं गाइस आप बताओ कमेंट में करें कि ना करें, तुम भी पूछो इवन। हेलो गाइस, सादिया के साथ, वेलकम बैक टू माय चैनल। सादिया के साथ मेरा पुष्पा चैलेंज करे कि नहीं करे? मैं तो ऐसे मास्टर हूँ यार, मुश्किल है वो स्टेप ना बहुत ही। कल करें, कल अगर कमेंट में बोलेंगे तो करेंगे। तेरी नजर शर्फी कैसे कर रहा है मुर्गी की तरह ऐसे ऐसे है क्या? ओरिजिनल स्टेप मैं देता हूँ मैं। यार ये छोटा सा खतरनाक दाना तो चला गया, लेकिन इधर एक पानी वाला खतरनाक दाना निकला है। ये पानीपुरी गोलगप्पा निकला है इधर, गोलगप्पा। ये कब जाएगा? ये बड़ा वो होता है, मतलब कुछ लोग होते हैं बोलते हैं इसको वैसे पटक करके फाड़ दो, दो, दो लेकिन मैं नेचुरली बस छोड़ देती हूँ कि खुद ही फटे। बेचारा भले बैठा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी देर बैठा। सुई तो जाता है ना, जरासीम चले जाएंगे। गोलगप्पे से वो ना बन जाए भेलपुरी। इमिनी इमनी कॉफी कॉफी मको शिपो है। और आज हम ब्लैक कॉफी पिए। मैं चाह रही हूँ कि हम लंच के बाद ना वो चीनी वाली कॉफी ना पिए, चीनी चीनी पे ज़्यादा चीनी हो जाती है। सुबह और शाम को चीनी चीनी पिए थोड़ी थोड़ी, हम टी स्पून यूज़ करते हैं चीनी का बहुत थोड़ा, लेकिन इस टाइम ने ब्लैक कॉफी कर लें। इससे तुमने घर में मैचिंग कपड़े पहन लिए? हीरो एक हीरो होता है। बकरी किस तरह क्या किया? आज जहाज आया, जहाज आया, किधर है जहाज? जहाज प्लीज रुक जाओ। कहाँ है यार? बहुत तेज आवाज आ रहा है। ओह चला गया, चलो। हेलो ढाका, ढाका का वेदर देखो भाई। चलो ये हमारी कॉफी जो है वो रेडी हो गई, इसको वापस रख दे इधर और चलो नीचे जाके पीते हैं स्कूबी के पास। इसको चलो स्कूबी के पास जाते हैं। स्पूकी बोल रही थी आज स्कूबी के साथ कॉफी पियेंगे और उसको खाना। हाँ उसको खाना भी खिलाए, कॉफी भी पी ले। सुबह खा लिया था उसने खाना भी, दिन का शाम का खाना खाएगा। चलो लेट्स गो, जल्दी जल्दी जाए ना, चाय हमारी ठंडी हो रही है कॉफी। हेलो स्कूबी डू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक्साइटेड एक्साइटेड खाने के लिए। अरे 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 खाने के लिए। अरे यार इतने बड़ा बड़ा जम मारता है। अरे माशाल्लाह इसका प्लेट का है, दूसरा प्लेट ये प्लेट्स हैं इसकी। वो दो अब्बा ने इसके लिए भेजा है। वैसे ना ये डॉग फूड ही खाता है, लेकिन अब्बा ने इसके लिए भेजा है राइस और फिश मिक्स करके, क्योंकि वो राइस भी शौक से खाता है। तो डॉग फूड तो ऑलरेडी खा लिया, फिर से राइस खा रहा है। मजा आता है तुम्हें राइस खा के? चलो खा ले, एक्साइटमेंट में उछल खुद में गिर गया। किचन में गिरा है ना? किचन में गिरा, मुंह में किचन लगा हुआ है इसलिए गिर गया था। अब हम बाहर जा रहे हैं प्रिंटर खरीदने, तो इसलिए मैंने बस यही वाली शर्ट है उसके साथ मैंने ऐसे जीन्स पहन लिए। ठीक ही लग रही है शायद, ऐसे ही चले जाती हूँ। ऊपर से कुछ कोट पहन लूँगी, क्योंकि जो प्रिंटर वाला जो दुकान है ना जो, वो इधर ही है करीब ही है, तो इसलिए हम लोग ना इतना मैं रेडी नहीं हो रही। वैसे तो मास्क पहनते हैं, लेकिन लड़कियों की आदत होती है थोड़ा सा। मेकअप आज मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन ये थोड़ा सा लगाऊंगी ऐसे ही, एक मतलब फ्रेश लुक आता है। तो जी जल्दी से रेडी हो गई, 5 मिनट में, कोई मेकअप नहीं, नो मेकअप लुक, लेट्स गो। बाय द वे मेरा जो डैंड्रफ था ना वो डैंड्रफ भी कम हो गया है, पता नहीं कैसे खुद ही, और मेरा कोई हेयर फॉल वगैरह भी नहीं हो रहा है। कुछ लोगों ने बोला था हेयर फॉल वगैरह होता है, तो कुछ नहीं है ऐसा, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं दिखे अभी तक, तो आगे देखते हैं क्या होता है। इसको वापस रख दो नीचे एंड ऑल सेट, रूम भी पूरा सेट ही है, बस उसको पता नहीं क्या हो गया है। चलो बाहर जाते हैं अभी। अभी बाहर आ गए, सबसे पहले ये वाला जो सीपीयू है वो देंगे दुकान में बनने के लिए,
वो पीसी है, ये वो सीपीयू है जिससे माँ गेम खेलती है। ये फिर से मैंने करा दिया सफाई। हाँ, और उसके बाद फिर जाएंगे प्रिंटर देखने दुकान में। हाँ। तो ठंडा है हल्का हल्का, इसलिए मैंने ये अपर पहन लिया। तो सीपीयू में फैन का प्रॉब्लम था, वो चेंज कर लिया, और वो केसिंग भी पूरी चेंज करेंगे, नई केसिंग ले रहे हैं। ये वाला सीपीयू जो है ना, केसिंग इसका ना साइड वाला ग्लास है, उतारो दिखाओ, ये पूरा ग्लास का है। चलो माँ को नया सीपीयू दें। सीपीयू मिलेगा आधा घंटा बाद ना इमान, 30 मिनट्स बाद मिलेगा। 30 मिनट बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। अभी कहाँ? मैंने प्रोसेसर का फैन तोड़ दिया था। तुमने ही तोड़ा है, खराब कर गए। लेकिन मेरे पास एक कोर i7 का था पहले से, ब्रांड न्यू, वो दे दिया लगाने के लिए। और अब भी हम लोग ना उधर जा रहे हैं प्रिंटर देखने। चलो आ गए प्रिंटर, रोज रोज आते हैं इधर हम, डेली आते हैं ना। चलो प्रिंटर देखें, उधर भी बहुत सारे। ये वाला चाहिए ना, कैनन का। और ये वाला प्रिंटर जो है वो राणा भाई दे रहे हैं घर को गिफ्ट। राणा भाई इतना महंगा गिफ्ट, हमारे घर में प्रिंटिंग हमें प्रिंटिंग की ज़रूरत है ना, प्रिंटर। बार बार इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेके नॉर्मल दुकान में जाते हैं। इसका ये मॉडल नंबर है, और इसमें 2400 पेज है, मतलब प्रिंट कर सकते हैं, 1 साल की वारंटी है, और ये प्राइस है। चलो तो अभी घर आके मैं बना रही हूँ पकौड़े और चाय, क्योंकि पकौड़े खाने का बड़ा दिल कर रहा था। एक ब्लॉगर है उसका देखा था पकौड़े खा रहे थे, तो मेरे भी दिल के आलू वाले पकौड़े, तो वो बना रही हूँ, खा पी के फिर जाते हैं प्रिंटर की अनबॉक्सिंग करने। इतने सारे पकौड़े जो है वो फ्राई हो गए, और ये वाला भी सेट जो है ऑलमोस्ट डन है, निकाल देती हूँ। बस कुछ प्याज के फ्राई करेंगे, और ये चाय रेडी है, तो शाम का खाना पीना मज़े से बन रहा है। आप लोग भी कमेंट से बताओ आप लोग शाम को क्या खाते हो यार, कुछ आइडिया दो, फिर मैं वो चीज़ें ट्राई करूँ, बनाऊँ शाम को। वैसे तो रिंग्स वाले होते हैं ना ओनियन के, लेकिन हमारे ओनियन जो है वो बहुत छोटे हैं, तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ ओनियन का ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं कैसा होता है, अच्छा ही होगा ख़राब नहीं होगा। क्योंकि बेसन बहुत बच गया था ना, तो पराठा है ना उसको मैंने ऐसे काट के और फ्राई कर लिया। दिखने में तो बड़ा मज़े का ही लग रहा है, ये पराठे हैं असल में, लेकिन बेसन की कोटिंग करके फ्राई किया है। तो माँ से रिव्यू लेते हैं, 3 डिफरेंट किस्म के पकौड़े हैं ना, तीनों कैसे हुए? माँ कैमन हुई से? इतना हेवी, इसको अभी ना अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कैसे चलता है, क्योंकि दुकान वाले को खुद ही प्रॉब्लम हो रही थी इसको चलाने में, हम कैसे चलाएंगे, इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, मतलब प्रिंटर है, स्कैनर है, और क्या क्या है, फोटोकॉपी है। मुझे और इमोन को तो फोटोकॉपी वाला होना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल है चलाना, पता नहीं चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। लेकिन सबसे पहले इधर रखो और चलो अनबॉक्सिंग करते हैं, थक गए। इसके अंदर से निकला है एक ये बुक, एक ड्राइवर, पावर केबल, ये दो निकले हैं, एक निकला है पावर केबल, यूएसबी केबल, एक ने यूएसबी के वजह से। तो अभी ना इंस्टॉल वगैरह नहीं किया, तो अभी देखते हैं क्या है। इधर से स्कैन होता है, फिर यहाँ से ना प्रिंट वाला पेपर निकलता है, उसने बोला बड़ा पेपर हो तो इधर से डालना, लेकिन इसका पूरा जो सिस्टम है ना वो अभी इमोन और मैं देखेंगे। और ये वायरलेस है, मोबाइल से डायरेक्ट होता है, वायरलेस है सबसे ज्यादा, वाईफाई में डायरेक्ट मोबाइल से ही प्रिंट करेंगे, इधर रूर निकलेगा, वो हमें देखना पड़ेगा, टेस्ट करना। चलो हम ना अभी कुछ देर बाद मिलेंगे, सीख के आए, पहले हमें बिल्कुल नहीं आता। तो ऑलरेडी ना सेटिंग कर दिए है, क्योंकि वाईफाई है, कोई तार नहीं लगनी है इसमें, तो मैंने पूरा सेट कर दिया है। एक पूरा बनाना होता है नेटवर्क, तो वो बन गया है आईडी पासवर्ड से, और अभी मोबाइल में बैठे बैठे ही बस ये फोटो है ना, इधर से प्रिंट दबाया मैंने, और मैं क्वालिटी देखूंगी कि कैसे है क्वालिटी, और इमोन अच्छा ही तो आया है। देखा तुम, देखो
अच्छा है यार, मेरे से क्यों आता है सब ब्लर? अच्छा है, मेरा वाला सब ब्लर आता है। खुश हो, मैंने करके दिखाया। अरे चालू माल है शादी, करके दिखाया। इमोन और राणा भाई परेशान हो गए थे, कैसे होगा कैसे होगा, तो पूरा इधर बैठ के मतलब एक नेटवर्क बना लो आईडी पासवर्ड डाल के, क्या क्या सिस्टम होता है, प्रोसेस है थोड़ा 10-15 मिनट का होगा। और अभी कोई भी घर में एक ही इंटरनेट पे सारा कनेक्टेड हो गया है, मतलब हमारे घर में कोई भी आएगा ना वो प्रिंट कर सकता है। ये लेजर का ना कैनन वाली क्या कहते हैं, कैनन का लेजर वाला प्रिंटर है ये, लेजर का कैनन वाला प्रिंटर। हाँ, तो इधर से पेपर निकला, नीचे हमने ना इधर पेपर डाले हुए थे, लेजर का कैनन वाला प्रिंटर ले लिया, कैनन का लेजर वाला प्रिंटर। अब्बा को दिखाया, अब्बा के लिए ना गिफ्ट दिया है प्रिंटर, और प्रिंटर अब्बा के लिए फोटो प्रिंटर। अब्बा वाला से हाँ, नहीं नहीं अच्छा अच्छा है, अब्बा क्वालिटी वालों ना, अच्छा अच्छा क्वालिटी है। पापा कैसे खुशी खुशी से देख रहे हैं, बहुत सारे पेपर्स प्रिंट करके देखे, प्रैक्टिस की, सबके लैपटॉप कंप्यूटर, फिर सबके घर में मोबाइल, हर किसी का चेक किया चलता है कि नहीं चलता, और अच्छा ही चल रहा है बहुत। तो अभी हमने ना यहाँ पे रख दिया है, ये वाला सीपीयू आज ही लेके आए ना, तो इसके साथ ही कनेक्ट करके रख दिया है, जिसको भी प्रिंट करना है सेंटर में घर के है। आज की वीडियो जो है वो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ ये व्लॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। घर में एक नई डिवाइस आई, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, आप लोग भी अगर चाहो ना तो कुछ लो ना लो, एक प्रिंटर जरूर ले लो, बहुत काम पासपोर्ट का कॉपी, वीजा का कॉपी, इसका कॉपी, शादी का सर्टिफिकेट, इधर की शादी, ये वो, हाँ तो बहुत चाहिए होता है। तो चलो अल्लाह का शुक्र है, अच्छे से चला, सीख लिया पूरा। और इवन बताओ ना मैंने कैसे कैसे चलाया, तो इंजीनियर निकला, कैसे 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 दुकानदारी नहीं कर पा रहे थे सेटिंग, दुकानदार सही से सेटिंग नहीं कर पा रहे थे, फिर लैपटॉप में इमोन पता नहीं क्या क्या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके कर रहा था, तो मैंने बोला दो मिनट में डायरेक्ट करके दूं, क्योंकि वायरलेस है ना, वायरलेस, तो इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर, दुकानदार बोल रहा था वाईफाई नहीं हो सकती, इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, राउटर से सिंक करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है, सादिया तो पूरा मिनट में कर दिया मोबाइल से ही, तो इसने बोला तो इंजीनियरिंग होना चाहिए था, इंजीनियरिंग पढ़ेगी, इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं है, मैं आर्टिस्ट हूँ, कुछ भी कर सकते, कंटेंट क्रिएटर हूँ और आर्टिस्ट है हम दोनों, तो कुछ भी कर सकते हैं। चलो व्लॉग हो गया एंड, अपने बहुत सारा ख्याल रखना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, खुदा हाफिज़, बाय बाय, सी यू टुमारो।